एक दुबला पतला सा लड़का अपने देश की सेवा करने के लिए फौज में भर्ती होना चाहता था और उसके लिए वो ट्रेनिंग भी ले रहा था। इतने में ही वहां पर आए एक फौज के जनरल ने उसे देखकर उसके सेलेक्टर को कहा कि तुमने इसको सेलेक्ट क्यों किया है, ये फौज में भर्ती होने लायक नहीं है। और इस चीज को प्रूव करने के लिए उस जनरल ने एक ग्रेनेड उस ट्रेनिंग ले रहे ग्रुप के बीच में फेंक दिया। लेकिन मजे की बात यह हुई कि जहां पर उस ग्रेनेड को देखने के बाद सारे लड़के दूर भाग गए, वहीं वो दुबला पतला लड़का उस ग्रेनेड के ऊपर कूद गया और सब लोगों को दूर हटने को कहने लगा। हालांकि वो ग्रेनेड नकली था, लेकिन इस घटना को देख के उस जनरल को समझ में आ गया था कि कद काठी होने से कुछ नहीं होता, साहस यानी कि जिगरा जिसके पास होता है महान वही बनता है। गाइस, आप लोगों ने वीडियो बनाने के लिए या फिर वीडियो देखने के लिए स्मार्टफोन तो खरीदा होगा। कौन सी कंपनी का खरीदा है? ओप्पो का, वीवो का, रियलमी का या फिर वन प्लस का? अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये सारी कंपनियां डिफरेंट हैं, लेकिन आपको जान करके हैरानी होगी कि ये सारे स्मार्टफोन एक ही कंपनी ओन करती है जिसका नाम है बीबीके, जो कि चाइना की कंपनी है और आज के समय में ये वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जिसके सीईओ अलग है, जिनके ब्रांड एम्बेसडर अलग है, जिनकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी अलग है, लेकिन ओनर एक ही है जिसका नाम है डोन योंग पिंग। है ना कमाल की बात? और मजे की बात यह है कि उसने सैमसंग और एप्पल जैसे ब्रांड्स की बैंड बजा दी है।